नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बांका की, जहां चांदन व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप बनरवाल 111 मतों से विजयी घोषित हुए। साथ ही बात होगी एटा की, जहां ग्राम पंचायत चौतरा में सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ, और बताएंगे कैसे पाकुड़ में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी गई। इन तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन में शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चांदन व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। शनिवार को ही किसान भवन में मतों की गिनती के बाद देर शाम जारी परिणाम में लालपुर निवासी उत्तरी वारने पैक्स अध्यक्ष प्रदीप बरनवाल को चंदन व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुसुमजोरी पैक्स अध्यक्ष प्रदीप पोद्दार को 111 मतों से पराजित कर राजनीतिक दिग्गजों को मात दी। चांदन प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजेश कुमार ने विजेता एवं प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य को देर शाम को प्रमाण पत्र निर्गत किया। व्यापार मंडल के प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दक्षिणी पैक्स अध्यक्ष हेमराज यादव एवं पूनम बरनवाल को चुनाव का सामना कर चांदन व्यापार मंडल का प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। जो है वो मतगणना प्रारंभ हुई, और मतगणना के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए जो चार उम्मीदवार थे उसमें से जो विद्यमान मत पाए गए उसमें चार मत जो है वो निर्मल कुमार मंडल को प्राप्त हुए, प्रदीप बरनवाल को 162 मत प्राप्त हुए, और प्रदीप कुमार पुद्दार को 51 मत प्राप्त हुए, और सुरेश प्रसाद यादव को 18 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जो सर्वाधिक जो मत प्राप्त हुए थे हेमराज कुमार यादव जो है सामान्य रक्षित वर्ग से समिति सदस्य देने में व्यापार मंडल में वोट देने जो है तो पहले अफसर बताया कि नहीं आपका वोट देने से मना किए बी डी ओ साहब। तो बी डी ओ साहब पास गए, बी डी ओ साहब बताया कि आपका डी सी ओ साहब जो है एक पत्र के माध्यम से आपको वोट देने से वंचित किया गया। तो उनसे हम रिटर्न मांगे तो रिटर्न देने से भी वो वंचित हो गए। तो बोले आपको जहाँ जो जरूरत है कीजिए। तो फिर मैंने आगे पदाधिकारी से बात किया, बात करने के क्रम में फिर बी डी ओ साहब हमको कॉल करके बुलाया गया, और फिर वोट देने के लिए हमको आना पड़ा। फिर हमने वोट दिया अपना, यानी चुनाव से लेकर शुरू से अंत तक डिस्टर्ब ही करना हमको बड़ा पूरा हर समय डिस्टर्ब ही रहे। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु कुमार बरनवाल, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। आज जिला एटा के ग्राम पंचायत चौतरा में सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ, जिसमें गाँव के सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अवागढ़ से एटा से आए हुए भाजपा के पदाधिकारी ने बैठक की, जिसकी सदस्यता अंकुश शुक्ला ने की, जिसमें सुधीर बाबू और गांव के और भी गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें कामता प्रसाद, उमेश शर्मा आदि मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज की प्रमुख सामाजिक संस्था लायंस क्लब शाहगंज स्टार ने रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन आर के हॉस्पिटल ब्लड बैंक में हुआ, जिसमें 24 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को कोरी अफवाह बताया और इसे रक्तदाता के लिए पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद ठहराया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष रूपेश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष मनोज जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद थे। वहीं सचिव मनोज पांडे ने सभी रक्तदाताओं का आभार भी जताया। लायंस क्लब द्वारा आज रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 10 यूनिट ब्लड दिया जा चुका है अभी तक, और अभी कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसके लिए विशेष आभार हम राहुल वर्मा जी का करेंगे, उनका काफ़ी सहयोग रहा है, और डॉक्टर जे पी दुबे भी करेंगे, उनका सहयोग भी रहता है संस्था में, हमारे मेम्बर हैं। बाकी सभी डोनर को मैं धन्यवाद ज्ञापन कर सकता हूँ। सर बहुत अच्छा कैंप लगा है, और ब्लड सबको देना अच्छी बात है सर। आप ब्लड देने किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। क्या नाम आपका? हरि प्रकाश। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ में 2 स्कॉर्पियो की चोरी हो गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के भगतपाड़ा मोहल्ले की है, जहां बीती रात को अज्ञात चोरों के द्वारा
दो स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ डीएन आजाद सहित नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि रात में दो स्कॉर्पियो की चोरी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों का खुलासा होगा। मामले के उद्भेदन को लेकर हर बिंदु पर पुलिस काम कर रही है। वहीं एक साथ शहर के मुख्य सड़क किनारे से दो स्कॉर्पियो की चोरी होने से इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। पता है कि रात यहाँ दो स्कॉर्पियो की यहाँ पर से चोरी हुई है। हम लोग टेक्निकली और मैनुअली दोनों काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग अपराध कर्मियों तक पहुँचे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमड़ापाड़ा प्रखंड के पाडेर कोला पंचायत के बूथ नंबर 215 पर मंडल अध्यक्ष आशीष एब्रम के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 114वीं मन की बात कार्यक्रम को सुना गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष से भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षा जल को संग्रह करके रखने को लेकर बहुत सुंदर विषय पर उन्होंने देश की जनता के बीच मन की बात संवाद में रखी। वहीं भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने कार्यकर्ता और महिला पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में अमड़ापड़ा प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष आशीष एम्ब्रम की अध्यक्षता में यहाँ हम लोग मन की बात को सुने। 215 नंबर बूथ है और हमारे प्रवासी आए हुए खुदीराम टुडू जी, यहाँ के प्रधान निर्मल टुडू जी और तमाम हमारे माताएं बहनों को आज धन्यवाद करता है कि मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हम लोगों ने सुना और ये मन की बात जो प्रत्येक लास्ट महीना जो रविवार पड़ता है, आज 29 तारीख है, तो इसीलिए आज मन की बात में हम लोग ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक इस तरीके का शुभकामना भी दिए कि सामने दुर्गा पूजा के शुभ अवसर दिए और यहाँ का लोकल जो प्राथमिकता होना चाहिए, इस तरीके का जो हम लोग लोकल कुछ बनाते हैं उसको खरीदेंगे बेचेंगे, यही हम लोग को मार्गदर्शक दिए और यहाँ का उद्देश्य है कि आने वाला हमारे 2024 का जो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के नेता में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव होंगे और ये उद्देश्य है कि जो यहाँ जिस जगह हम लोग बैठे इस 215 नंबर बूथ है और यहाँ उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा हर फोकस लोकल का होना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग मन की बात को सुने, यही शुभकामना है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।